नमस्कार दोस्तों, इंडियन स्टडी पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और दोस्तों हमने पीछे 5 क्लास कर ली, आज 6ठी क्लास है। दोस्तों यदि आपको पीछे की क्लासों में कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समय को न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन है जो कहाँ स्थापित किए गए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से आंसर देना है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा इसमें दिल्ली। दोस्तों आपका आंसर है डी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली की राजकीय भाषा है? दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली की राजकीय भाषा है कौन सी है, ये बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको दिल्ली की राजकीय भाषा बतानी है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा इसमें हिंदी, सी सी। दोस्तों आपका आंसर है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गुलाम वंश के शासक ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए रक्त और तलवार कठोर नीति अपनाई थी? दोस्तों आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए रक्त और तलवार की कठोर नीति अपनाई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको आंसर देना है इनमें से। तो दोस्तों आंसर होगा आपका बलबन ने। दोस्तों डी आंसर है, बलबन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन की स्थापना कब हुई। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको इनमें से आंसर देना है। और आपको बताना है कि दिल्ली में राज्यों के पुनर्गठन का आयोग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आपका आंसर होगा इसमें दिसंबर 1953। ए आंसर है दोस्तों, दिसंबर 1953। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली में तुगलक वंश का शासनकाल कब से और कब तक रहा। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो दोस्तों आपका इसमें आंसर होगा 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी। दोस्तों डी आंसर आपका 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली में लोधी वंश का शासन कब से कब तक रहा। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको इनमें से आंसर देना है और बताना है कि लोधी वंश का शासन कब से कब तक रहा। तो आंसर होगा इसमें आपका 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। दोस्तों आपका डी आंसर है, 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के प्रथम गुलाम वंश शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली के प्रथम गुलाम वंश शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको इनमें से आंसर देना है। तो दोस्तों आंसर होगा आपका 1210। बी आंसर है दोस्तों, 1210 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस दिल्ली के बादशाह की पत्नी का नाम जीनत महल था? दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली के किस बादशाह की पत्नी का नाम जीनत महल था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इसमें से आंसर। तो दोस्तों आंसर होगा आपका इसमें बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1920 ईस्वी में स्वतंत्रता नामक अखबार किसने निकाला था? दोस्तों आपको बताना है कि 1920 ईस्वी में स्वतंत्रता नामक अखबार किसने निकाला था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको इनमें से आंसर बताना है। तो दोस्तों आंसर होगा आपका इसमें अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो दोस्तों आपका आंसर होगा इसमें अंबिका प्रसाद वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल शासक अकबर का बचपन में संरक्षक कौन था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दोस्तों, आपको आंसर देना है इसमें से। तो आंसर होगा दोस्तों आपका इसमें बेरम खा। सी आंसर दोस्तों, बेरम खा मुगल शासक अकबर का बचपन में संरक्षक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल दिल्ली में आता है? दोस्तों आपको बताना है कि देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल दिल्ली में आता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको आंसर देना है इसमें। तो आंसर होगा इसमें 0.05%, 0.05%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में विजय घाट स्मारक है? दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली में विजय घाट स्मारक है कहाँ है, ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में विजय घाट स्मारक है? दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों
दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली में जो विजय घाट स्मारक है वो किसका है। ये आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको इनमें से एक आंसर देना है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, बी आंसर है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी। दोस्तों आपको बताना है कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको आंसर देना है इसमें से। तो आंसर होगा आपका जहांगीर ने, ए आंसर है दोस्तों जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के किस शासक ने गद्दी पर बैठते समय आलमगीर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली के किस शासक ने गद्दी पर बैठते समय आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको इनमें से आंसर देना है। तो आंसर होगा इसमें औरंगजेब, ए आंसर दोस्तों औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में किस गुलाम शासक ने 40 अमीरों व सरदारों का एक दल बनाया था। दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली के किस गुलाम व शासक ने 40 अमीरों व सरदारों का एक दल बनाया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको इनमें से आंसर देना है। तो आंसर होगा इसमें आपका अल्तमस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों आपको बताना है कि किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। आपका आंसर है इसमें गुरु गोविंद सिंह ने, सी आंसर दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र प्रकाशन कब शुरू हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र प्रकाशन कब शुरू हुआ। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको आंसर देना है इसमें से। तो आंसर होगा आपका 1924, ए आंसर दोस्तों 1924। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है। दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको इनमें से आंसर देना है। तो आंसर होगा आपका सी यमुना नदी, सी आंसर है दोस्तों आपका यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बनकर कब तैयार हुआ। ये बताना दोस्तों आपको कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है वह कब बनकर तैयार हुआ था। आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि कब बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों आपका आंसर होगा आपका सन 1929 में, डी आंसर दोस्तों सन 1929। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली का जो पहला अखबार है वह कब प्रकाशित हुआ था। आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको इनमें से आंसर देना है। तो दोस्तों आंसर होगा आपका ए 1836 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा। आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों और आपको बताना है कि औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा था। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपका आंसर है दोस्तों 1658 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आपको बताना है कि लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आपका आंसर है औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने किस गुलाम को दिल्ली का शासक नियुक्त किया। दोस्तों आपको बताना है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने किस गुलाम को दिल्ली का शासक नियुक्त किया। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको आंसर देना है इसमें से। तो आंसर होगा दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दोस्तों बी आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। यदि आपको इन क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो या किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको यह मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी केंद्र शासित या राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।